इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। काग बसंडी जी गरुण जी से कहते हैं, असक ही गरुण गीध जब गयु तिन के मन अति विस्मय भयो। अरे क्या कहा था संपाति ने, जो पापी वो जाकर नाम सुमेरी अति अपार भव सागर। अरे मुझे देखकर धीरज रखो, राम जी की कृपा से कैसा शरीर हो गया मेरा। आप लोग कदरा रहे हो भगवान का दूध। अरे नहीं, अब सभी कपि लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं। निज निज बल सब का हो भाखा पार जाय कर संशय राखा। भक्त को कोई भी कार्य करना तो संशय में नहीं रहना। कार्य प्रारंभ कर देखिए, ये भी अपने बस का नहीं है। संशय में रहना न रहना भी अपने बस का नहीं है, ये भी आपके जीवन संस्कार से संबंध रखता है। यदि अपने प्रति स्वयं को विश्वास नहीं है तो दूसरा आप में विश्वास नहीं जगा सकता है। इसका संबंध सीधा अपने से है। प्रभु जो हनुमान जी को बताए थे, सबने अपना 60 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 75 योजन, 80 योजन, 90 योजन जा सकता हूं आने में संदेह आदि आदि कहते रहे। बाबा जामुन जी ने ललकारा, बलिबाँ धत प्रभु बाढ़ सौतन बरन जाय उभय घरे महदीनि सात प्रदक्षिण धाय। अरे भगवान ने त्रिविक्रम रूप लिया था बलि को बांधते समय, मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा भगवान की लगाई थी, 7 प्रदक्षिणा लगाई। आप लोग युवान होकर ऐसा रहते हो, युवावस्था को ऊर्जा संपन्न होना चाहिए। कार्य कहा और पूरा, बुद्धि नहीं हृदय से। असंभव कुछ नहीं है, करने वाला हो और मन से करने वाला हो तो कार्य पूर्ण होता है। अंगद जी बोले, मैं जा तो सकता हूं लेकिन मुझे संदेह है वापसी का। क्यों है? ये कथा है। कार्य करने वाले का पता नहीं चला। श्री हनुमान जी को अपने बल का विस्मरण रहता है। जब भगत उनको स्मरण कराते हैं ना, अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम धनज भन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान मान राणाम रघुपति प्रिय भक्तम वात नमामि रघुपति वर तुम वात जातम नमामि। स्मरण कराइए, इसलिए हनुमान जी को भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा प्रेम। कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम आप में से जिन्होंने सुंदरकांड एक भी बार पढ़ा है हाथ उठाएं। अरे वाह, अब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि सबने एक एक बार पढ़ा है, तो थोड़ा बताने पर आप सब कथा समझ जाएंगे। वाह बहुत सुंदर। हाँ जो पढ़ लिया है वो को क्या पढ़ाना। हाँ देखिए, सभी कांडों सातों कांडों को लिखने के बाद प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सबकी स्तुति के श्लोक लिखे। जिस कांड में सीता मां नहीं है उस कांड में दो श्लोक हैं, जहां मां उपस्थित है वहां तीन श्लोक हैं। दर्शन करिएगा, बड़ी मूल बात है। दूसरी बात, सभी कांडों का नाम स्थान या अवस्था प्रधान है। सुंदरकांड की पूरी कथा सुंदर पर्वत पर घटी है, इसी सुंदर पर्वत से भगवान सुबैल पर्वत पर श्रीलंका में उतर कर गए सेतु के द्वारा। बालकांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड वन प्रधान, किचकिंधा उस पर्वत श्रृंखला का नाम है। सुंदर कांड आहा युद्ध कांड जिसमें युद्ध हुआ, और सारे प्रश्नों का उत्तर कांड का नाम है उत्तर कांड। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु को माँ का आकर संदेश दिया, प्रभु का संदेश माँ को, माँ का संदेश प्रभु को, यहां भी एकता हुई, इसलिए तीन श्लोक हैं। सब लोग बहुत प्रेम से गाते हैं, और मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जो भी गाइए वो अर्थपूर्वक समझ कर गाइए, दो बार में गाइए। 62 दोहे का प्रसंग है तो आप 65 मान लो, 15-15 दोहा पढ़िए, लेकिन अर्थपूर्वक, थोड़ा भी अर्थपूर्वक आप पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा क्या कहती है कथा। सुंदरकांड पढ़ने से ऐसी मान्यता है कि जीव के सारे कलमश समाप्त होकर उसका जीवन सुंदर हो जाता है। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग, परंतु केवल सुंदर कांड के कारण से सभी कांडों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। बस सुंदर कांड पढ़ लिया सुंदर हो गया, श्री रामचरित मानस जी को कम से कम अर्थपूर्वक 9 बार तो पढ़ी जाइए, पढ़ जाइए, देखिए कैसा परिवर्तन होता है। अर्थपूर्वक पढ़िए, समझ कर पढ़िए, यह मेरा आग्रह है। आओ गाएं राम कथा घर घर में, उसमें पूरी कथा नहीं है, 9 दिन की हैदराबाद कथा आदरणी दामोदर लाल जी हेड़ा साहब ने कराई थी, उसमें जो सार संक्षेप हमने सुनाया है वही है, वो पूरी राम कथा नहीं, 9 दिवस की कथा बच्चों ने सजो के रखी है, उससे आप 9 दिन की कथा तो सुन सकते हैं, परंतु पूरी कथा समझना हो तो श्री रामचरित मानस जी का अर्थपूर्वक आश्रय अवश्य करना चाहिए, कथा समझ में आती है।
हम बोलते हैं तो भी आपको समझ में आएगी, इतना समझ में आएगी जीवन ही बदल जाएगा है? कन्हैया के भक्तों का गीत है, राधा तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, अरे क्या कहूँ मैं मेरी मैया जीवन ही बदल जाए। एक बार पढ़ लो देखो, इधर उधर नहीं, सीधी राम कथा, भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हैं पहले खंड में। आज क्या हो गया, बोझिल हो गया। पहला श्लोक, दूसरा भक्ति देवी की प्रार्थना है प्रभु के सर चरणों में, तीसरे में हनुमान जी की अष्ट मूर्ति का स्मरण किया गोस्वामी जी ने। आई जिनको कंठस्थ हो बोले, नहीं तो चुपचाप सुनिए। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मां शंभो फणीन्द्र सेव्यमनीषम् वेदांत वेद्यम् विभुम् रामाख्यम् जगदीश्वरम् सुरगुरुम् मायामनो श्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा कामादि दोष रहितं गुरु मानसं च कामादि दोष रहितं गुरु मानसं च अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणां देशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात्जातम् नमामि रघुपति वर दूतम् नमामि। इस सुंदरकांड के तीन श्लोक हैं।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।